अर्ली मॉर्निंग सुना सर मिली थी, उसके बाद इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे SSP साहब वहीं पे स्पॉट पे प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेवन्यू स्टाफ, हमारा EDC, हमारे जो अर्ली मटीरियल लेके वहाँ गए हैं। इसके साथ साथ कंसर्न SDM और SDRF की यहाँ से टीम को रवाना किया गया और लोकल आर्मी जो वहाँ पे 17 RR है उनको भी वहाँ भेजा गया और ये जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग में हमारी पुलिस सबसे पहले वहाँ थी रात से ही, तो 17 इंजर्ड लोगों को रिकवर किया गया, जिसमें से 5 जो थे वो हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी थी उनको वहाँ से आनपुटी शिफ्ट किया गया। वेदर इंप्लीमेंट था, प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा सकी। ऑल दो बहुत एफर्ट्स किए गए ताकि हम लोगों को बाई एयर रेस्क्यू कर पाएँ और टाइम को सेव कर सकें, बट थैंक गॉड कि जो 3 लोग ज़्यादा क्रिटिकल थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया गया आपसे नहीं था और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू हो गया। 2 लोग जो हैं उनको जो हमारा दक्षिण की PIC सोध है वहाँ पर रखा गया है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर हो रहा है। रेस्ट जो 12 लोग हैं वो फर्स्ट एड के बाद उनको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। 7 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, 19 के करीब जो हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं हाउसेज डैमेज हुए हैं, 21 पोर्शन डैमेज हुए हैं, 1 राशन डिपो जो था स्टोर था वो डैमेज हुआ है, इसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये दक्षिण के इंसिडेंट के साथ साथ कल शरार को एक और वाकया पेश आया था पार्डर में, जिसमें बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ब्रिजेस का डैमेज हुआ है, जिसमें रात को 60 फैमिलीज़ को सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ शिफ्ट करके लो लाइन से अपर गुलाबगढ़ और होली में जो शिफ्ट किया था, तो आज भी वहाँ उनको 60 फैमिलीज़ को शिफ्ट रखा गया है, अभी मॉनिटर किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस। सिमिलरली भोजमा में भी फ्लैश फ्लड्स की रिपोर्ट आई थी, वहाँ भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, बट किसी भी लाइफ लॉस रिपोर्टिंग नहीं। सर क्या लगता है अभी तक कितने जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पर? देखिए एक्सपेक्टेड जो अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स आ रही हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो हमारे पास इनकम्स आ रही हैं या SSP साहब वहाँ से भेज रहे हैं उसके मुताबिक 19 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं जिनको ट्रेस करने की कोशिश।